दोस्तों कुकिंग्स वीडियो आपको YouTube पे भी बहुत ज्यादा व्यूज देते हैं, Facebook पे भी बहुत ज्यादा व्यूज देते हैं, साथ ही साथ Instagram पे भी बहुत ज्यादा व्यूज देते हैं। यानी एक प्रकार की क्रिएटिविटी आपको तीन प्लेटफॉर्म्स पे डेवलप करेगी, तीन जगह से आपकी अर्निंग्स होंगी। आप यदि किसी भी टॉपिक पे कुकिंग से रिलेटेड सर्च करें YouTube में तो आपको कम से कम तो मिलियंस व्यूज मैक्सिमम चैनल पे मिलते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत ज्यादा देखे और जाने वाले कुकिंग टॉपिक्स होते हैं और मिलियंस व्यूज की बात कर ले कम से कम 50-60 हज़ार रुपए एक वीडियो से अर्निंग वो लोग करते हैं। और आज की इस वीडियो में आप यदि देखना शुरू कर दिए हैं तो आपके लिए अब आसान हो जाएगा। यानी कि आप यदि चाहते हैं कि कुकिंग चैनल्स कैसे बनाएं, कैसे एडिट करें, कैसे डेवलप करें, ये सारे चीज को इतने आसान तरीका से आज के वीडियो में मिलने वाला है। यानी कंप्लीटली आप यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप 100% एक चैनल के पूरे एफर्ट को समझ जाएंगे कि कुकिंग चैनल्स के लिए कैसे वीडियो को हम शूट करते हैं और उस वीडियो को कैसे एडिट करते हैं, वीडियो को किन किन रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं और लाइव अपलोड करने के बाद में आपको व्यूज भी दिखाएंगे एक फ्रेश चैनल पे, नए चैनल पे, ताकि देख के भी आप चौंक जाएंगे कि इसका व्यूज एज कंपेयर सब्सक्राइबर से कितना ज्यादा अधिक जाता है। इससे पहले दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं यानी कि सब्सक्राइब यदि अब तक नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे और हो सके तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि काफी ही ज्यादा आसान तरीका से आपको पूरी बात समझाई गई है। एक प्रैक्टिकली कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं है और प्रैक्टिकली इसलिए है क्योंकि इसका परिणाम भी आपको एक यूट्यूब चैनल पे अपने खुद से अपलोड करके वहां पे आपको पूरी कंप्लीट चीज में दिखाऊंगा कि व्यूज कैसे आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की इस वीडियो का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों की एक कुकिंग्स के कितने तरीका से वीडियो बनते हैं, तो एक तो आप फेस के साथ में कुकिंग करते हुए वीडियो बना सकते हैं, दूसरा आप विदाउट फेस के यानी कि बनते हुए फुटेज लेके उसमें वॉइस ओवर के साथ वीडियो बना सकते हैं, और तीसरा कि आप केवल फुटेज को स्टेप बाय स्टेप लेके उसमें म्यूजिक डाल के वीडियो बना सकते हैं। अर्थात कि जैसे कि आप मान लीजिए किसी रोटी पकाने की वीडियो के ऊपर काम कर रहे हैं तो आटा गूंथने का थोड़ा सा फुटेज ले लिए 5 सेकेंड का, मतलब आटा में पानी मिलाने का फुटेज लिए, गूंथने का थोड़ा सा गूंथने की प्रक्रिया का लिए और फाइनली उसके बाद में कंप्लीट गूंथा हुआ ले लिए, उसके बाद में जो लोइया बनाते हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप फुटेज लिए और सारे फुटेज को एडिट कैसे करना है उसको भी मैं बताऊंगा। उसको एक क्रम में सजा के और फास्ट करके और वहां पे म्यूजिक डाल देते हैं, वो भी वीडियो बहुत चलता है। तो यहाँ पे आपके लिए इतना आसान होने जा रहा है कि आपको जैसा सुविधा है वैसा आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कोई भी आपको खर्चा नहीं लगने वाला है। आपके घर में यदि किचन है तो भी सही है, नहीं है तो भी सही है, क्योंकि बिना किचन का आप बहुत अच्छा वीडियो बना सकते हैं। और आज के वीडियो में आपको वही बताएंगे कि जीरो इन्वेस्टमेंट वाले लोग भी कैसे बना सकते हैं, यानी बिना किचन का हम वीडियो बनाएंगे, खुले में शूट करके बनाएंगे, एकदम से चूल्हे पे बनाएंगे के बताएंगे पूरी कंप्लीटली। तो ये पूरे टाइप समझ गए तीन टाइप के बाद में, अब आपको एक अच्छा से वीडियो को शूट करने के लिए एक स्मार्टफोन चाहिए, एंड्रॉयड फोन चाहिए, कैमरा, बस कैमरा इंपॉर्टेंट है, आप उसको शूट कर ले। और उसके बाद में हो सके तो आप एक माइक ले लेंगे, बोया का जो माइक होता है अच्छे क्वालिटी की साउंड देता है, क्योंकि आपका वीडियो में थोड़ा क्वालिटी अच्छा रहेगा तो और भी बेहतर आपका वीडियो लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको एक वीडियो एडिटिंग का एप्लीकेशन चाहिए, सब कुछ फ्री का है, आप एकदम से फ्री में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, कैसे एडिट करना है उस चीज़ को हम आपको बताएंगे। तो चलिए इस चीज़ को प्रैक्टिकली में हम ले चलते हैं। दोस्तों एक फूड्स का वीडियो कोई भी चैनल है उसमें ऐसे सीन को क्रिएट किया जाता है कि सारा स्टेप कम समय में पूरी कंप्लीट स्टार्टिंग से अंत तक आप खाना पकाने की पूरी प्रोसेस को समझा पाए। जैसे कि आप इस वीडियो में देखे होंगे शुरू से लेके यहाँ तक एक तिल की लड्डू मतलब पूरा कंप्लीट बनने तक की पूरी प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, लास्टली उसकी कंप्लीट सीन को भी दिखाया जाता है। इस चीज को कैसे आप एडिट करेंगे उसको हम बताते हैं। सबसे पहले आप यदि ध्यान दें तो यहाँ पे कई एक फुटेज सीन, यहाँ पे मैं भगा भगा के सारे को दिखा रहा हूँ, कई एक फुटेज सीन को मैंने क्रिएट किया हुआ है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप का मैंने वीडियो किया हुआ है। और ये सारे वीडियो करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पे सारे दिखा रहे हैं, यानी कि काफी लंबा एक सीन क्रिएट हुआ, सारे वीडियो हमने किया पूरी जितने बन रहे थे और कंप्लीट का ये वीडियो मैंने कर लिया। आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसको आप गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेंगे, जिसका नाम है VN वीडियो एडिटर।
इस प्रकार से मेरे फोन में यह ऐप इंस्टॉल है। यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट लेने के लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, ये सीधे आपके गैलरी में लेके आ जाएगा। गैलरी में जितने मैंने फुटेज ली हुई है सारे को सीरियल से हम टिक करते जाएंगे। इसे बीच बीच में कुछ खाने का प्रोसेस बनने के बाद में फिर लेना होता है, फिर वहां से कंटिन्यू करके ऐसे ये सीरियल है। तो मैं यहाँ पे सीरियल से सारे को टिक कर देता हूँ। बहुत सारा फुटेज मैंने ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरी फुटेज लेने के बाद में एरो का जो साइन है तीर, उस पर मैंने क्लिक कर दिया। सारे यहाँ पे टाइमलाइन में आ चुके हैं सारे वीडियोस। यहाँ पे टाइमलाइन को थोड़ा बड़ा करके दोनों फिंगर से आप ऐसे जूमिंग टाइप के कर देंगे और ये टाइमलाइन आपका बड़ा हो जाएगा, ताकि अब यहाँ पे एडिट करना आसान हो जाएगा। ये पूरा फुटेज आपको 6 मिनट का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आपको इसको जितना अच्छा से अच्छा ये फोकस करना है कि केवल सीन क्रिएट हो। आप साउंड बढ़ाने के लिए जिस भी स्टेप पे क्लिक करके वहां पे एक वॉल्यूम का मिलेगा, वहां से आप साउंड को और भी डबल कर सकते हैं। ऐसे में आपका कुछ साउंड भी जो नेचुरल साउंड आपने क्लिक करते वक्त लिया है वो साउंड भी इसमें आएगा, वीडियो अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे जैसे इस प्रोसेस को मुझे थोड़ा सा दिखाना है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस दिखाना है। यहाँ पे जैसे मैंने प्ले किया और यहाँ पे इस सीन को थोड़ा दिखा दिया, पॉज किया। अब यहाँ पे मेन्यू में एक कैंची का ऑप्शन होगा जिसको बोलते हैं स्प्लिट, इस पे क्लिक कर देंगे वहीं से कट लग गया। और बाकी का सीन हमें कहाँ तक ये दिखाना, जैसे यहाँ तक इसमें डालने वाला सीन दिखाना है, यहाँ पे रोक देंगे, फिर स्प्लिट करेंगे, बीच वाले इस पर्सन को हटा देंगे। अब यहाँ से ये हो गया कंटिन्यू, ऐसे आ गया, फिर यहाँ पे रोक देंगे, फिर कट लगाएंगे। इसी से सारा काम इसमें ज्यादा फूडिंग्स व्लॉगिंग में कट का होता है। और इस कट के लिए एप्लीकेशन इतना स्मूथ होता है जो कि आपके लैपटॉप से काम करने का से ज्यादा आसान हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों जैसे डालने के बाद में ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे एक वर्किंग प्रोसेस है, इसको आप कट करके ना हटा के इसको आप फास्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस वाले सीन को हम यहाँ पे स्पीड पे क्लिक करके और इसको कर देते हैं इसे फास्ट, ऊपर उठाएंगे फास्ट होगा, नीचे में स्लो होता है, और इसका स्पीड बढ़ गया। आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा और भी फास्ट करना चाह रहे हैं तो ये दूसरा वाला सीन हो गया, ये वाला सीन को मैंने फास्ट किया था, इसको और भी फास्ट हो गया। अब देखिए ये कैसे हो गया, ये 3 सेकंड में हो गया। अब यहाँ से जैसे आया ये सीन क्रिएट हुए डालने का, अब यहाँ पे डालने के बाद में कुटने का सीन स्टार्ट हो गया। ओके, अब फिर यहाँ पे देखा बस ये फ्रेश हो चुका है, फिर यहाँ पे कट लगा दिए। अब आगे का सीन हमको क्या करना है, ये कट ला के हटा दिए। अब बाकी अब यहाँ पे ऐसे में दिखाना है कि मैंने इतना सारा फ्रेश कर लिया इसी प्रक्रिया द्वारा। ऐसे ही फूड ब्लॉगिंग में पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ पे अब मैंने दिखाने के बाद में कट लगा दिया, अब इन सारे सीन को हटाएंगे, फटकने का ये जो ना ये वाला सीन रखेंगे, यहाँ से इतना हटा दिए, थोड़ा सा ये दिखा दिए। ओके, फिर कट लगाए, कट लगाने के बाद में यहाँ पे बाकी सबको हटा देंगे, थोड़ा सा ये दिखा देंगे, थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखिए थोड़ा सा जूमिंग में पूरा एकदम सीन लग रहा है, कितना फ्रेश हो गया। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट प्रोसेस का यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ से फिर कट लगा के इसको डिलीट कर देंगे। ऐसे आप सीन को जितना अट्रैक्टिव क्रिएट कर पाए। और लास्टली ये सारे सीन बनने के बाद में आप वॉइस देना चाहते हैं, सबसे ऊपर वाला जो लेयर देख रहे हैं टैप टू एड म्यूजिक, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसमें 3 ऑप्शन है, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स है, रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप वॉइस 3, 2, 1, अब वॉइस यहाँ पे शुरू हो जाएगा और इसमें आपका वॉइस यहाँ पे ओवरले हो जाएगा। पॉज कर दिए, उतना तक में आपका वॉइस देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। जैसे कि यहाँ पे हमें सीन देना है, मान लीजिए सीन के अकॉर्डिंग हमें वॉइस देना है, तो यहाँ से हमें क्या करना है कि यहाँ पे जैसे मैंने किया और यहाँ पे रिकॉर्ड पे किया और स्टार्ट किया। तो दोस्तों यहाँ पे तिल को हम कूटेंगे, यहाँ पे इसमें डाल दिए और देखिए यहाँ पे फ्रेश करने के लिए ये काम होता है और ये फ्रेश भी हो गया। ऐसे ही हम बहुत सारा फ्रेश कर लेंगे, आप देख सकते हैं जितना चाहे उतना मैंने फ्रेश कर दिया। उसको थोड़ा इसमें की जो कन है उसको हटा लेंगे, अब देखिए कितना फ्रेश दिख रहा है, हो गया, सही पे क्लिक कर दिए। ऐसे आप वॉइस ओवर सीन के अकॉर्डिंग जैसे। ओके, अब आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, इस प्रकार से आप पूरे फुटेज को आप क्लियर कर लेंगे। इसमें बहुत सा जैसे ये फुटेज मेरा ऐसे रोटेड में है तो इसको क्लिक करके और रोटेट कर लेंगे, ये ऐसे करके जैसे आप चाहें वैसे अपने सीन को बना सकते हैं, जितना चाहें जूम करना चाहें, सारा सुविधा इसमें होता है। इस प्रकार से फाइनली आप अगर म्यूजिक भी देना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे क्लिक करके म्यूजिक पे जाएंगे, ब्लॉग्स पे जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ म्यूजिक है उसको आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे वो म्यूजिक आ जाएगा। जैसे मैंने एक म्यूजिक डाल दी हुई है, हल्का सा म्यूजिक है, इसका साउंड आप कम करना चाहें वॉल्यूम पे क्लिक करके थोड़ा बढ़ा दें, ऐसे बढ़ गया। अभी साउंड में आप विदाउट वॉइस ओवर का भी आप
बना सकते हैं। कहते हैं कि मैंने 7 मिनट का फुटेज लिया था लेकिन वीडियो मेरा 2 मिनट 9 सेकंड का हुआ, क्योंकि सारे सीन को मैं नियर कर दिया, बाकी फालतू सीन को कट करके हटा दिया और एकदम कंटिन्यूअसली कर दिया और वीडियो कंप्लीट बन गया। इसको मुझे एक्सपर्ट करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्सपर्ट पे क्लिक कर देंगे और ये 100% जैसे कंप्लीट होगा आपकी गैलरी में एक्सपर्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी गैलरी में आ जाएगा। और दोस्तों सेम वीडियो हमारे गैलरी में आ चुका है, आप देख सकते हैं, इसको आप रोटेट करके भी देख सकते हैं जैसा मन करे वैसा, यानी कि वीडियो कम्प्लीटली हमारा एडिट हो चुका है। ऐसे करके आप अपलोड कर लेंगे यूट्यूब पे, जहां एक वीडियो को आप दो तरीका से अपलोड कर सकते हैं, कंप्लीट ट्यूटोरियल बना के, दूसरा कि आप उसको ही शॉर्ट करके एडिट करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने शॉर्ट में ही इस कुकिंग्स वीडियो को डाला हुआ है, तो आप लाइव देख सकते हैं व्यूज कैसे बढ़ते जा रहे हैं। 266 के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट 269 हो गया, एक एक बार स्क्रॉल करें 272 हो गया, 295 हो गया, लगातार आपको लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये बढ़ते ही जा रहा है। एक नए चैनल पर इतना व्यूज से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2.6K भी हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में आपको वो जानकारी आसान तरीका से समझ में आ गई होगी। फिर एक बार कहेंगे कि आप हमारे इस चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके जाएंगे, मन करे तो शेयर भी कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल विदा लेते हैं आज की वीडियो में, फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।